यूएसए वर्सेस इंडिया मुकाबला, और यहाँ पर इस मुकाबले को जीत कर टीम इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान का भी काम आसान कर दिया। टीम अब किस तरह से क्वालिफाई कर सकेगी सुपर एट मरहले में, और इसके मुकम्मल सिनारियो यहाँ पर सामने आ चुका है। यूएसए की टीम को हराने के बाद टीम इंडिया और पॉइंट्स टेबल का यहाँ पर पाकिस्तान के ग्रुप में क्या सिचुएशन है, तो ये आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स इसके हवाले से क्या कह रहे हैं। विक्रांत गुप्ता और शोएब अख्तर इस हवाले से क्या कहते हैं, तो ये आपको बताते हैं क्या पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर सकेगी। तो दोस्तों अगर आप पॉइंट्स टेबल पर यहाँ पर, तो यहाँ पर यूएसए की टीम अभी भी तीसरे नंबर पर बनी हुई है, लेकिन उनका रन रेट थोड़ा सा नीचे आया होगा। पाकिस्तान टीम के लिए यहाँ पर सिनारियो बिल्कुल वाजे हो चुका है। अगर हारती है यूएसए की टीम यहाँ पर आयरलैंड के अगेंस्ट अपना आखिरी मुकाबला, और पाकिस्तान टीम जीत जाती है आयरलैंड से, यहाँ पर आसानी से पाकिस्तान टीम इस मुकाबले में क्वालिफाई कर जाएगी। और शोएब अख्तर का भी यही मानना है कि पाकिस्तान टीम सुपर एट तक तो जरूर जाएगी। ताहम पाकिस्तानी फैंस जो कि कुदरत के निज़ाम पर बैठे हैं, इनको दुआ ये भी करनी होगी कि आयरलैंड और यूएसए के मैच में बारिश ना हो। अगर उस मुकाबले में बारिश हो जाती है तो यूएसए की टीम 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन दोस्तों ज्यादा इम्कान यही है कि यूएसए की टीम और आयरलैंड के दरमियान ये मुकाबला होगा, और पाकिस्तान टीम के लिए ये राह हमवार होगी। मीडिया और शोएब अख्तर का भी यही कहना है कि पाकिस्तान सुपर एट मरहले तक तो जरूर जाएगा, अगर ना जा पाया पाकिस्तान तो ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ होगी। तो दोस्तों इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।